वेलकम टू टुडेज व्लॉग एवरीवन। मुझे अब ऐसे लगने लगा है कि लगभग हर एक आगे वाला व्लॉग ऐसे देरी से ही शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी भी लगभग 11 बजने को आ गए हैं रात के। लेकिन कोई बात नहीं, चलो। अभी मैंने अपने इंस्टाग्राम फैमिली में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पर जो बच्चे सीखने के लिए आते हैं वो लगभग 10 सालों तक अपनी फैमिली से भी नहीं मिलते हैं और इस गुरुकुल से भी बाहर नहीं जाते हैं, और 10 साल होने के बाद ये उनके ऊपर है कि वो आगे यहीं पर रहना चाहते हैं या फिर ये सब छोड़कर बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं। और मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ से बाहर ना जाना ही चुनते हैं। और मैंने अपनी फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली को पूछा था कि अगर आप इस जगह पर होते तो आप क्या करते, और बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स मुझे दिए हैं। मुझे वो देखकर बहुत अच्छा लगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं इस व्लॉग में नहीं डालता हूँ वो मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूँ। तो जिन भी लोगों को ऐसी अलग अलग चीज़ें देखनी है, जिन्हें पसंद है ऐसी चीज़ें सुनना, ऐसी चीज़ों पर अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स मुझे देना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी आ रही है नीचे। वैसे आज के भी सारे सेशन बहुत अच्छे हुए। और लेफ्ट अपने हैंड से हमने उसका मुंह बनाया है, ओके? बराबर। राइट लेग इज 1 2 बैक स्ट्रेट। हमारा नमस्कार हाथी में होगा, ऐसे पूरा नमस्कार होगा, है ना? यहाँ से अभी हमको सांस इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 इतना ही डिस्कस होगा, ठीक है? इसके बाद 1 2 3 4 इसके बाद पूरा खिंचना, 1 वहीं से भारतीय सुंदर नीचे लेके आना है और ऊपर अपने हाथ के सामने पकड़नी है। ये होगी हाथी की सूंड और ये हो गया हाथी का फेस। पीछे वाला है हाथी की टांगे। अभी इंसानों को चार टांगे नहीं होती है, इसलिए पीछे की टांगे हम नहीं दिखा सकते, तो इतना ही दिखा रहा है आगे वाला। 1 2 3 4 1 2 ये टांगे हैं और ये है हाथ। ऐसे नमस्कार, यस। 1 2 3 4 अरे पूरा नीचे से 5 वही हाथ ऊपर से नीचे 6 7 8 वाला है घुटने के ऊपर, ठीक है? जो तीसरा वाला है ना वो यहाँ पे मारना है या दोनों टांगों के बीच में मारना है, तो ये है नीचे से ऊपर यहाँ पे 1 2 नीचे से ऊपर। उसके बाद हम मारेंगे सर के ऊपर। अभी जो हमने नीचे से ऊपर किया था ना वो उल्टा करना है, ऊपर से नीचे सर के ऊपर, ऊपर से नीचे 6 7 8 9 10 1 2 3
जो पैर आगे आएगा उसके अपोजिट में आपको ब्लॉक करना है, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट काउंट के लिए 1 2 3 4 5 सीधा एक स्टेप आगे, 1 2 3 4 5 सीधा, समझ गए? ये वाला आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 नीचे से ऊपर 3 4 अभी लेफ्ट लेग पास में आएगा 5 यस 1 block 2 hit 3 block 4 hit 5 block 6 hit 7 hit 8 नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे खियो, लेकिन आज एक अलग बात ये थी कि आज मैंने मेरी एक बैच के बच्चों को एक कंपटीशन करवाई, वो ये थी कि अपने नांचा को बस एक हाथ में पकड़कर आपको सामने की तरफ होल्ड करना है और छोड़ना नहीं है, जिसका हाथ नीचे आया वो आउट हो जाएगा और उसने वापस नीचे बैठना है। लेकिन इसमें एक अलग बात ये थी कि पैंतालीस 14 मिनट कंप्लीट। बहुत बढ़िया करते हो। बीस 35 कुछ बच्चे ऐसे थे जो गिव अप करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मैं समय गिनता रहा, 10 मिनट 12 मिनट 13 मिनट 15 मिनट तक वो बच्चे गिव अप करने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनके हाथ फ्रीज हो गए, उनका ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, फिर भी वो लोग गिव अप करने के लिए तैयार ही नहीं थे। आखिर में एक टाइम ऐसा आया कि मुझे कहना पड़ा कि अब बस हो गया, आप लोग हाथ नीचे ले लो, लेकिन फिर भी वो गिव अप करने के लिए तैयार नहीं थे। ये जो पावर होती है ना माइंड की, ऐसी पावर सभी में होनी चाहिए। ये पर्सनली एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ के बच्चों में। आज के सारे सेशन ख़त्म करने के बाद हम गए यहाँ के फार्मिंग रिसर्च सेंटर में, और वहाँ पर देखकर, सारी चीज़ें देखकर मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। वहाँ पर जो भी चीज़ें वो उगाते हैं, उन सारी चीज़ों पे वो रिसर्च करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट्स है उनकी हम क्वालिटी कैसे बढ़ाएं। वो जो रॉ प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया या फिर ककुम्बर हो गया, उनको, उनकी क्वालिटी और फिर उनके जो टेस्ट है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उन पर वो रिसर्च करते हैं। और फिर कुछ स्ट्रॉबेरीज उन्होंने हमें दे दी खाने के लिए,
तो मैं सच कहूँगा, मैं महाबलेश्वर में भी जाता हूँ, वहाँ की स्ट्रॉबेरीज भी खाता हूँ, लेकिन उससे अच्छी ये वाली स्ट्रॉबेरीज मुझे लगी, क्योंकि इनकी टेस्ट इतनी अच्छी थी, क्योंकि वो बिना कोई पेस्टिसाइड्स के या फिर बिना कोई और अदर एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स के वो ये चीज़ें उगाते हैं, और अपने अपने जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें वो ये नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं। ये चीज़ें देख कर मुझे ऐसा लगा कि आज भी कुछ ऐसी कंपनीज है जो इतना अच्छा और प्योर वर्क करती हैं। और एक्चुअली मैं पतंजलि का कोई भी यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सीरियसली जो मेरा ओपिनियन है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये इतना सर्च करके इतने अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, देन व्हाई वी आर नॉट फॉलोइंग देम। ये एक अच्छी बात है ना कि हमारे देश की कंपनी आज इतना अच्छा काम कर रही है, तो चलिए उनको, उन्हें मदद करते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं, और एक अच्छे और हेल्दी प्रोडक्ट्स हम इनटेक लेते हैं ना, ये ज़्यादा अच्छा होगा बाहर के प्रोडक्ट्स लेने से। अच्छा चलो, अब समय आ गया है आज के व्लॉग को विराम देने का, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा। जिन्हें भी कलरी पैट 2 या फिर सेल्फ डिफेंस या फिर अलग अलग वेपन्स सीखने में इंटरेस्ट है या फिर उनमें इंटरेस्ट है, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलो, खुद की सुरक्षा करिए और उनकी करिए जिन्हें इसकी सच में ज़रूरत हो।